हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं यहां पे ये स्पीकर। बेसिकली दोस्तों ये आता है बेस का स्पीकर, और यहां पे कंपनी जो है वो है दोस्तों फेल। तो यहां पे काफी जाना माना ब्रांड है, और यहां पे मैं काफी स्पीकर के रिव्यू भी कर चुका हूं। और आज मैं लेके आया हूं यहां पे काफी हैवी स्पीकर। बेसिकली दोस्तों ये 18 इंच के अंदर आता है, और यहां पे बाकी से आप जो बॉक्स पैकिंग है वो भी आप देख रहे होंगे बिल्कुल अलग है। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके अंदर क्या खास हमें देखने को मिलता है, साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में काफी मजा आने वाला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप की आपको बॉक्स पैकिंग देखने को मिलती है। बॉक्स पे क्या क्या डिटेल है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये फेन की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। यही आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है वह है दोस्तों क्लोसोस। यहाँ पे 18X यानी प्राइम सीरीज के अंदर आता है। यहाँ पे आपको वेबसाइट मॉडल नंबर यहाँ पे मैंशन कर रखा है, तो ये है fainternational.com। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक और आपको स्टिकर देखने को मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बारकोड भी देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं और क्या देखने को मिलता है हमें बॉक्स पे। तो और कोई डिटेल नहीं है दोस्तों, सेम यहाँ पे सारी चीजें हैं। और फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम। इसकी जो पैकिंग है वो दोस्तों सभी से अलग है। यहाँ पे काफी हैवी पैकिंग है, और जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, इसके अंदर आपको एक ऊपर की साइड कार्डबोर्ड देखने को मिल जाता है, एक ये जूट की पैकिंग में आता है, यानी जूट के अंदर आपको ये पैक देखने को मिलता है। साथ ही ये यहाँ पे थर्माकोल भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो पैकिंग है उस पर काफ़ी अच्छा ध्यान दे रखा है, तो इसे मैं निकाल दूँ। दोस्तों यहाँ पे जो पैकिंग है वो लाइक गिफ्ट की तरह है, यहाँ पे जैसे आप गिफ्ट पैक करके देते हैं, तो यहाँ से कुछ ऐसा ही है जूट की जो पैकिंग है वो आपको देखने को मिलती है। और काफ़ी अलग अनबॉक्सिंग करी है इस बारी जो मैंने कर रहा हूँ। ओके, तो ये है यहाँ पे फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, वो मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे कैमरा ऊपर करके। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग में दिखा रहा था कि यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको पैकिंग को खोला, यहाँ पे मुझे दिखा कुछ अलग सा चीज़, यानी अलग सी डस्ट कैप। तो ये अंदर की साइड वाली डस्ट कैप है, और यहाँ पे आई थिंक कंपनी का ये दावा, और कंपनी ने मुझे बोला भी कि ये डस्ट कैप लगाने से बेस की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है, यहाँ पे बेस का जो थंब रहता है वो और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे लिए यहाँ पे डस्ट कैप को पिचकाना बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो गया इस स्पीकर के साथ। तो यहाँ पे अब चाहे मैं घूसा मारूँ इस पर, चाहे कुछ भी करूँ, तो ये डस्ट कैप पिचकेगी नहीं, फिर आपको डस्ट कैप निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एक हमारे लिए बिल्कुल प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप इस स्पीकर को ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये पेपर कोन है, यहाँ पे ये आपको राउंड वाला पेपर कोन देखने को मिलता है, जो कि बेस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही ये यहाँ पे आप जैसे इसके ऊपर एक और हल्की सी कोटिंग कर रखी है, और यहाँ पे ये एलन की बोल्ट से आप इसको टाइट कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे हम कुछ और भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है बैक साइड, और यहाँ पे आपको ये ग्रिल यानी ये जो जाली है वो देखने को मिल जाती है, ताकि जो डस्ट हो, पार्टिकल्स हो, वो जाए ना। तो यहाँ पे जो साउंड की क्लैरिटी रही है वो बिल्कुल वैसी बनी रही है। यहाँ पे ये वेंटिलेशन देखने को मिल जाता है, यानी ये होल्स हैं, तो इससे जो एयर रहता है वो पास थ्रो होता रहता है। साथ ही अगर मैं नीचे जाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ जाते हैं टर्मिनल सॉकेट्स, काफ़ी हैवी क्वालिटी के हैं। और जस्ट इसके यहाँ पे यानी जो प्रीमियम है, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम लुक की तरह, यहाँ पे प्रीमियम पैकिंग की तरह भी ये सारी चीज़ें प्रीमियम ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्लोसोस प्राइम 18X फेन इंग्लैंड लिखा हुआ है यहाँ पे इस स्टिकर पे, एक तरीके से पीवीसी वाला स्टिकर है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे देखते हुए। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं कुछ और डिटेल, तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है स्पाइडर क्वालिटी। यहाँ अगेन यहाँ पे यूज़ करा गया है ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर, और इसको मैं जस्ट अगर उठा के दिखा पाऊँ तो आपको सिलिकॉन जो होगा वो दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये हल्का हल्का से जो वाइट से दिख रहा है ये बेसिकली सिलिकॉन है, यानी सिलिकॉन ग्लू कहते हैं हम इसे। ये नॉर्मल स्पाइडर से दो गुना ज़्यादा स्पंची और रिलायबल और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होता है। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देख सकते हैं आप, ये वेंटिलेशन बना रखे हैं, ये साइड वेंटिलेशन सिस्टम कहते हैं दोस्तों हम इसे। तो इससे फ़ायदा क्या है कि जो वॉइस कॉल रहती है वो काफ़ी ठंडी रहती है यहाँ पे, जब वो ऊपर नीचे चलती है, या बाई चांस अगर वॉइस कॉल ज़्यादा हीट हो जाए तो यहाँ पे कोई चांस नहीं रहता कि आपकी वॉइस कॉल कट जाएगी या फिर उड़ जाएगी या जल जाएगी। चलते हैं कुछ मैं आपको और डिटेल भी देता हूँ स्पीकर के बारे में। तो दोस्तों यहां तक अभी मैंने बताया आपको यहां पे पेपर कोन की क्वालिटी, स्पाइडर क्वालिटी, साथ ही बताया यहां पे डस्ट कैप आपको सबसे अलग देखने को मिलता है, यानी न्यू इनोवेशन के साथ आपको ये स्पीकर देखने को मिलता है। यहीं अगर मैं बात करूं कुछ और डिटेल के बारे में, तो यहाँ पे पावर आउटपुट जो आपको देखने को मिलती है
वो मिलती है यहाँ पे 1200 वाट, क्योंकि प्राइम सीरीज में है तो यहाँ पे जो पावर आउटपुट है वो प्रॉपर आपको 1200 वाट वाली देखने को मिलेगी। यही अगर मैं बात करूँ इसकी जो पीक पावर है तो यहाँ पे 4800 वाट इसकी पीक पावर है। यही अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी रेंज की, तो दोस्तों ये आता है फ्रीक्वेंसी में 35 से लेकर 500 हर्ट्ज तक, तो ये चीज काफी अच्छी है, यानी लो फ्रीक्वेंसी पे आपको स्पीकर देखने को मिलता है। और यहाँ पे लाइव का आप डीजे दोनों पे इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ पे जैसे सिनेमाज हॉल हो गए यहाँ पे ओवरऑल हर जगह इसको यूज कर देता है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। साथ ही अगर मैं बात करूँ इसकी सेंसिविटी, तो दोस्तों यहाँ पे सेंसिविटी 100 dB पे काम करता है। और यही अगर मैं बात करूँ वॉइस कॉल, तो यहाँ पे दोस्तों जो वॉइस कॉल है वो है 4 इंची की कॉपर में, यहाँ पे इन आउट वॉइस कॉल है, यानी डबल वाइंडिंग वाली, अंदर और बाहर वाइंडिंग वाली आपको वॉइस कॉल देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी टेस्टिंग की, तो दोस्तों यहाँ पे टेस्टिंग काफी अच्छे से करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ अभी सिंगल बेस की कैबिनेट, यानी टी बिन बेस कैबिनेट। चलिए मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ, काफी मजा आने वाला है टेस्टिंग पे, चलिए टेस्टिंग देख लीजिए। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं अपने ये 18 स्पीकर को, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो चलिए यहाँ पे मैं फिट कर चुका हूँ, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा प्राइम XB और कुछ इस टाइप से कैबिनेट फिट है। इसके मैंने ग्रिल खोल दिए ताकि आपको पता लगता रहे कि स्पीकर कैसे चल रहा है। साथ ही मैंने हल्के से मिड के लिए यहाँ पे ये भी स्पीकर लगा चुका हूँ, यानी मॉनिटर मैंने लगाया। और चलिए यहाँ पे मैं आपको अभी टेस्टिंग सुनाता हूँ। चलिए के टेस्टिंग मुझे उम्मीद है पसंद ही होगी, काफी अच्छा था परफॉर्मेंस, यानी बेस थी बिल्कुल सॉफ्ट थी और यहाँ पे जो पंच था वो काफी हैवी था। और यहाँ अगर मैं बात करूँ इसको लाइव और डीजे दोनों पे आप यूज कर सकते हैं, और काफी हैवी स्पीकर है यहाँ पे, ये काफी मुझे हैवी लगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेड है कि आप ये स्पीकर परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको सिंगल कैबिनेट में अगर डाल लें तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं स्कूप में, या चाहे डाल सकते हैं टीबिन में, जैसे मैंने आपको टीबिन में चेक करवा के दिखाया। साथ ही साथ आप डाल सकते हैं जो फ्रंट वाले, तो अगर लाइव ज्यादा करते हैं तो फ्रंट में डालिए, तो उसमें जो परफॉर्मेंस होगी वो आपकी काफी निखर की आएगी। और दोस्तों बस ये वीडियो में इतना ही था, साथ ही साथ आप दोस्तों इसको परचेज करना होता है, नीचे मैंने फेन अकोस्टिक्स का यहाँ पे कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, तो आप जाके पता कर सकते हैं क्या प्राइस रहेगा, कहाँ से अवेलेबल होगा, कौन से स्टेट से अवेलेबल होगा, तो वो सारी की सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा ज्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब जय हिंद वंदे मातरम।